ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिंकु गुप्ता। उत्तर पूर्वी दिल्ली, यमुना विहार, धुएं के गुब्बार के बीच लुकती छुपती हुई दिल्ली, जहां रास्ते पर बिखरे हुए पत्थर वहां का ताजा हालत की गवाही दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर शहर में उपद्रव किया गया, कहीं गाड़ियों को जलाया गया तो कहीं दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस हिंसा के बीच मानवता की कई तस्वीरें देखने को मिली, जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनी। प्रमोद गुप्ता, जो बीजेपी से निगम पार्षद हैं, उनके काम को लेकर पूरी दिल्ली में प्रशंसा की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक ओर जहां नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक झड़प हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने हिंसक भड़क के चुंगल से एक मुस्लिम परिवार और उनके घर को बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। हिंसा के बीच दिल्ली के यमुना विहार से भाजपा के पार्षद प्रमोद कुमार मुस्लिम शख्स शाही सिद्दीकी के परिवार की मदद करने के लिए आगे आए। लगभग 150 लोगों की हिंसक भीड़ से उनके घर के लोगों को आग के हवाले होने से बचाया। बता दें कि CAA को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा से कई मौतें हो चुकी हैं। करीब 6:45 के आसपास की बात है। सामने का क्षेत्र है नूरलाई, इस तरफ से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए, कुछ लड़के आए, कुछ देर यहाँ शोर शराबा होल लड़ करते रहे, फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की और उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन्हें तोड़ना चालू किया। कुछ मजदूर साहब की गाड़ी खड़ी थी, इनके स्कूटर खड़ा था, उसको लट्ठों से डंडों से फोड़ना चालू किया। फिर एक सामने गाड़ी थी, उसको जला दिया गया। फिर एक गोपाल कलर लैब को जला दिया गया। तो इसी तरह से वो दंगाई, मेरे खुद घर पे हमला हुआ, कुछ पत्थर मारे, खुद मेरे भतीजे के सर फटाए, 3 ताके आए हैं उसके, मेरे घर पे भी खूब अटैक हुआ, ऑफिस पे खूब पत्थर मारे। यहाँ पर ये पड़ोसी हमारे शाहिद साहब हैं, 35 साल से हमारा इनका पड़ोस है, भाईचारा है, इनके घर पर भी हमला किया। तो हम इनको दुकान टूटने से, गाड़ी जलने से तो नहीं बचा पाए, मगर हमने कोशिश की कि काफ़ी कुछ ना उनको बचा कर सकते थे, उनको और उनके परिवार को हमने सेफ दिया से। हम हाथ जोड़ कर उनके आगे खड़े। सिद्दीकी ने कहा कि यह घटना देर रात की है। भीड़ ने पहले उनके घर के नीचे एक बुटीक को जलाया, उसके बाद परिवार की एक मोटरसाइकिल भी भीड़ ने जला दी। शाही सिद्दीकी ने कहा कि भीड़ ने हमारे गैराज से हमारी कार और एक मोटरसाइकिल निकाली और उसमें आग लगा दी। उन्होंने मेरे किराएदार के बुटीक को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कम से कम 20 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ। 25 की दोपहर 3:30 बजे अराउंड 150 से 200 लोग हमारे स्कूल में, मॉब तकरीबन हमारे स्कूल में घुसा, और वो मैंने ये दर्दनाक चीज़ मैंने अपने CCTV कैमरे में देखा। सडनली उसके थोड़ी देर बाद ही वो मॉब ने हमारा कैमरा तोड़ दिए और DVR हमारा तोड़ दिया। उसके बाद हमारे घबराहट इतनी थी कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। तो मैंने हमारे निगम पार्षद मिस्टर प्रमोद गुप्ता जी को, जो कि बी ब्लॉक के में ही रहते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया सीधा और मैंने उनसे कहा कि सर मेरा स्कूल को या ये विद्या को, मंदिर को प्लीज़ बचा लीजिए हमारे, और क्योंकि हमारे हमेशा वो सुख दुख में हमारे साथ ही रहे हैं, हमारा इतना अच्छा माहौल B2 का है। उन्होंने मुझे ये संभावना दी, उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम इस स्कूल को कोई परेशानी नहीं होने देंगे और ये हमारा स्कूल है और उन्होंने बहुत मदद करनी चाहिए। हिंसा के बीच मानवता की ऐसी मिसाल दंगाइयों के मंसूबे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अच्छी मिसाल है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।